हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों फिर से हम लोग वही एकदम टॉप स्टैंडर्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज वाली वीडियो फिर से आपके सामने मैं लेकर आया हूं, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। ठीक है, तो कल वाली सीरीज बहुत ही सक्सेसफुल थी और आज फिर से 20 क्वेश्चन आपके सामने आने वाला और आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। और डिटेल में सीरीज चलेगी तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर हर एक को डिटेल में पढ़ाया गया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर के डिटेल में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। इसके अलावा हमारी वेबसाइट से जुड़ करके आप हमारे क्लास नोट्स को भी परचेज कर सकते हो। और प्लीज दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल पाएगा कि कितने वीडियोज एक दिन में अपलोड किए जाते हैं। और एक चीज और दोस्तों, हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए। ठीक है, तो आज के लिए आपका पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको बोलते हैं ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, करा इसका पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। अच्छा एक मिनट दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, पहले पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगने लगे आपको। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ। दोस्तों पहली बात तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये जान जाइए। एक्चुअली में क्या है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ये कुल मिलाकर के 121 देशों का एक संगठन है, एक सहयोग संगठन है। सभी देश आपस में सहयोग करने के लिए जुड़े हुए हैं। और उससे भी जरूरी बात यह है कि पूरे विश्व में बहुत सारे इस तरह के संगठन हैं, अलग अलग संगठन हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन कोई भी संगठन का मुख्यालय भारत में नहीं है। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, इसका मुख्यालय भारत में है। पहला ऐसा इंटरनेशनल कोई यूनिट है जिसका मुख्यालय भारत में बना। और भारत में कहाँ पर बना है, तो इसका जो हेड ऑफिस है दोस्तों वो बना है गुड़गांव में। गुड़गांव कहाँ पड़ता है आपका, हरियाणा में। तो बताइए कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। एक तो इसका मुख्यालय भारत में है, दूसरी चीज की क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर है और अभी तक हमारे देश में इस तरह का कोई संस्था नहीं था, ये पहला संस्था है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इसका जो सम्मेलन है ये पहला सम्मेलन हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में इसका शुभारंभ हुआ था और इसमें जो है मोदी जी हिस्सा लिए थे और उन्हीं के सहयोग से बन भी पाया, अदरवाइज बन भी नहीं पाता। तो मोदी जी ने क्या किया कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उनका सहयोग लिया इस काम में, और फ्रांस और भारत ने मिल करके इस चीज़ को भारत में लाया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत किया गया था वो तो पेरिस 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन 2016 में फाइनली बन के तैयार होता है, ये याद रखिएगा। जो पहला सम्मेलन हुआ है ये आपके दिल्ली में हो रहा है इस बार। ठीक है, दिल्ली में पहला सम्मेलन हुआ, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना, इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है। पता है क्या, इससे क्या होगा ना, हमको खूब बिजली और सस्ते दाम पे बिजली मिल पाएगी। और इसी के सहयोग से हमारे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर का नाम सुना होगा, जहाँ पे विंध्याचल मंदिर है, मिर्जापुर में एक 75 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, जो कि 155 हेक्टेयर का है, 155 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर कुल मिलाकर के 119,000 सोलर पैनल लगाए गए हैं, और जो कि अपने आप में सबसे बड़ा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी इसी के सहयोग से बना है, कहां पर, मिर्जापुर में। और अभी तो आपने अगर करंट आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि लेह और लद्दाख दोनों जगहों पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, उसमें जो लद्दाख में बन रहा है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, याद रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट जो है उसी को मैं लेके आया हूँ यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन, अब आप सुनिए, संस्कृत हमारे यहाँ की जो थी आदि लैंग्वेज मानी जाती है, ठीक है, आदि भाषा माना जाता है, लेकिन इसका जो सम्मेलन हो रहा है ना, संस्कृत को पूरी दुनिया में बढ़ावा देने के लिए इस तरह के सम्मेलन को भारत आयोजित करा रहा है। जो पहला सम्मेलन था, सबसे पहला स्टार्टिंग में जो सम्मेलन हुआ था वो आपके नई दिल्ली में हुआ था, और कब हुआ था वो 1972 में हुआ था। सोचिए आप, 1972 में पहला सम्मेलन हुआ था, और आज समय क्या चल रहा है, आज समय चल रहा है 2019। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है दोस्तों, 2019 जरूर चल रहा है, लेकिन ये जो 17वां संस्कृत सम्मेलन ये हुआ था 2018 में, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, और हुआ कहाँ था, कनाडा में। अब बताओ, भारत का लैंग्वेज है संस्कृत, जबकि और इसका बढ़ावा कहां दिया जा रहा है, कनाडा में। कनाडा तो एक देश है, तो कहां पर कनाडा में, तो वहां पर एक जगह है वैंकूवर। कौन सा जगह है, वैंकूवर। ठीक है, वैंकूवर में इसको आप बढ़ावा दिया जा रहा है, और वहां पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। वहां पर गए थे हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, वो वहां गए थे और वहीं पर उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। जुलाई 2018 में हुआ था, तो ये आपको याद रखना, अगर आप नहीं जानते तो जानते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में बता दूं कि यह सम्मेलन जो है 3 साल में एक बार होता है, तो अगर
ये 2018 में हुआ है, तो बताओ अगला सम्मेलन कब होगा? जाहिर सी बात है 2021 में होगा, ठीक है। तो 2021 में होने वाला जो सम्मेलन है ये ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, ठीक है। अब सोचो, एक तरफ कनाडा सबसे ऊपर का एकदम उत्तरी अमेरिका का पहले नंबर का देश, वहीं ऑस्ट्रेलिया जो है एकदम नीचे कोने में, एकदम दक्षिण की तरफ, एकदम मतलब ऐसे समझ लो ये कनाडा है और ये ऑस्ट्रेलिया आपका। तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जगह है कैनबरा, कैनबरा में जो इसको होगा अगला 2021 में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जैविक खेती सबसे पहले किसने लागू किया था, तो हम लोग पढ़े थे कि सिक्किम में लागू किया गया था, ठीक है। तो मैं वहाँ पे पवन चामलिंग बताया था, पवन चामलिंग पुराने समय में थे, सर्वानंद सोनोवाल हैं, ठीक है, तो वो खैर एक अलग चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जो है 2018 ये लागू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? तो राजस्थान इस चीज़ को लागू किया है। अब आपको इसकी विशेषता समझनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति है क्या। पहली बात तो देखो, राजस्थान के जयपुर जहाँ उसकी राजधानी है वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में बताया गया कि राजस्थान में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जो है लागू किया जाएगा। और इससे होगा क्या, पहले इसको लागू कौन कर रहा है, तो हमारे देश का मंत्रालय है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। कौन सा? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है। ये इस मंत्रालय के तहत जो है ये काम हो रहा है। और स्पेशली इस तरह की नीतियां भारत में क्यों लाई जा रही हैं, वो इसलिए लाई जा रही है कि जो हम कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उसके आयात में कमी आ पाए, इसके लिए जो हम ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। आयात को कम करने के लिए, कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए इस चीज़ को हम ला रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे बायोफ्यूल फ्यूल आएगा, तो लोग कच्चे तेल यानी जो हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं उस पर थोड़ा सा हम लोगों का भरोसा उठेगा, मतलब उसका इस्तेमाल हम लोग कम करेंगे और जैव ईंधन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, बायोफ्यूल की तरफ बढ़ेंगे और इससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण का नुकसान जो है बड़ा कम होता है। तो काफ़ी अच्छी नीतियाँ हैं। देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ने का मजा भी अपना होता है, ठीक है। करंट नया है कि पुराना है, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि यार कि वो है क्यों, ठीक है, आप उसके पीछे चलो। जैसे यही देखो, दे रहा कृषि कुंभ 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। अब एक्चुअली में देखो, कुंभ जो है वो तो प्रयागराज में होता है, ठीक है, और यहाँ पर कृषि कुंभ बोल रहा है। तो कुंभ मतलब क्या है? कुंभ मतलब कि ढेर सारे धार्मिक लोगों का एक मिलन स्थल ही होता है कुंभ। तो कृषि कुंभ क्या, ऐसा जगह जहाँ कृषि से संबंधित मतलब कृषि का विचार लोग अपने मन में लेकर आएँ और उन विचारों का मिलन, वो कृषि कुंभ है, ठीक है। तो जो कृषि कुंभ 2019 है, देखिए 2018 वाला कृषि कुंभ जो था वो गन्ना अनुसंधान केंद्र जो हमारा लखनऊ में है, ठीक है, गन्ना अनुसंधान केंद्र वहां पे हुआ था, ठीक है, लखनऊ में। लेकिन 2019 का जो कृषि कुंभ है ये मोतिहारी में हुआ है। कहां पर? मोतिहारी। मोतिहारी में जगह पड़ता है चंपारण, जहां पर सबसे पहले महात्मा गांधी जी गए थे और पहला आंदोलन वहीं शुरू किया था, ठीक है, राजेंद्र शुक्ला के बुलाने पर, ठीक है, याद होगा आपको, वही मोतिहारी, वहीं से जो है इस कृषि कुंभ का बिगुल बजाया गया है, बिहार में है ये, आप याद रखिएगा, तो जरूरी है ना याद रखना। चलिए बढ़िया से पढ़िएगा। और देखिए यहाँ पर दे भी रहा है इस इमेज में कि मुख्य अतिथि कौन थे, लालजी टंडन थे और वहाँ पे सारी चीज़ें हुई। तो याद रखिएगा, कृषि कुंभ कहाँ पर आयोजित किया गया। अच्छा, कल एक क्वेश्चन हम लोग और पढ़े थे ना कि कुंभ इस बार का जो कुंभ है उसमें जो है बैंकिंग पार्टनर कौन था, PNB था, उसको याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, पीछे की चीज़ें भी मैं आपको बीच बीच में याद दिलाता रहूँगा। आगे देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऐसे तो अभी पता होगा, मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो था, बनारस के पास में पड़ता है मुगल सराय, वाराणसी के पास में ही, ठीक है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया था, ठीक है। अब उन्हीं के नाम पर एक नया पुरातत्व संस्थान का भी उद्घाटन किया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान, ठीक है। तो इसके उद्घाटन की घोषणा राजनाथ जी ने पहले ही कर दिया था, ठीक है, लेकिन इस बार जो जाकर के उसका उद्घाटन फाइनली हुआ है, घोषणा हुई थी, अब फाइनल हो गया, 9 मार्च को इसकी घोषणा किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और ये बन रहा है आपके ग्रेटर नोएडा में। देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अंतर है, ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में ये पुरातत्व संस्थान बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बढ़िया है, इस तरह के पुरातत्व संस्थान होंगे तो हमारी जो पुरातत्व चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी जा सकेंगी, उसको सुरक्षित रखा जा सकेगा, ठीक है। पुरानी चीज़ें ना भाई, तो उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा, तो हमारे ग्रेटर नोएडा में बन रहा है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि 1 जनवरी 2019 से किस देश ने ओपेक संगठन की सदस्यता
से त्यागपत्र दे दिया, कौन है जो ओपेक से निकल गया। तो एक्चुअली पहले ओपेक समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए ओ जो दिया है ना, ओ माने होता है ऑर्गेनाइजेशन, ओ माने क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, पी माने होता है पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, ई माने होता है एक्सपोर्टिंग यानी एक्सपोर्ट करने वाले, निर्यात करने वाले, ठीक है, एक्सपोर्टिंग, और सी माने होता है कंट्री यानी पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों के समूह को हम क्या बोलते हैं, कतर, सॉरी ओपेक, ठीक है कतर कह रहा हूँ, ओपेक बोलते हैं, ठीक है ओपेक, यानी ओपेक माने समझ गए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। अच्छा ये जो ओपेक है ना, इसमें कुल कितने देश हैं, तो शुरुआत में से 14 देश थे, बाकी बाद में कुछ देश आए कुछ देश गए, आते गए जाते गए, ठीक है ये चीज़ें थी। अच्छा ओपेक बना कब था, ये भी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो 1960 में दोस्तों ओपेक बना था, और 1961 में उसकी सदस्यता ग्रहण किया था कतर नामक एक देश ने, कतर का नाम सुना होगा, ठीक है कतर, अभी कतर का संबंध बड़ा ख़राब चल रहा है सिंगापुर आपका, सॉरी सिंगापुर कह रहा हूँ यार, सऊदी अरबिया, सिंगापुर तो आपका दूसरे साइड है, थाईलैंड के पास है, मैं सऊदी अरबिया की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरबिया और वहाँ पर जो आसपास की कंट्री है उनके साथ थोड़ा सा इसका संबंध खराब चल रहा था, और इसी बीच जो है उसने कतर ने अनाउंस किया कि हम जो है सदस्यता से अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं, और अलग भी हो गया, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट देश है, और कतर के साथ जो हमारा कच्चे तेल का खरीदाना है वो बहुत ज़्यादा है, तो इससे थोड़ा सा हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। खैर बात की बात है, मान लो ओपेक से कतर अलग हो गया, तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा कतर ने ओपेक को ज्वाइन कब किया था, तो 1961 में ज्वाइन किया था, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो ओपेक कंट्री है ना, इनका बड़ा बोलबाला है, पूरे विश्व में जितना कच्चा तेल होता है उस पूरे कच्चे तेल में अकेले 44% कच्चे तेल का एक्सपोर्ट खाली ओपेक करता है, ठीक है। तो आप समझो कि कितना बड़ा बोलबाला इनका है, इसको आप याद रखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा देश अलग हुआ है उसको भी याद रखिएगा, कतर अलग हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, करा 14वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। कल हम लोग दोस्तों G7 पढ़े थे ना, कल G7 पढ़े थे, और उसमें मैंने आपको G20 भी बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो G20 है, ठीक है, ये 2019 वाला कहाँ पर हो रहा है, ये ओसाका में, ठीक है ओसाका में हो रहा है, ठीक है ओसाका में, जापान में हो रहा है, कहाँ पर ओसाका कहाँ पड़ता है, जापान की एक जगह का नाम है, ठीक है तो याद रखिएगा। और 2022 के लिए तैयारी कर रहा है भारत, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में भी एक मीटिंग होगा, ठीक है 2022 में होगा, तो उसके लिए पूरा भारत एकदम तैयारी अपनी कर रहा है, तो G20 के लिए याद रखिएगा ओसाका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 20 देशों का समूह है, बस खाली यही है G20, ठीक है। आगे देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान था। कल हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देख रहे थे, तो 77 पता चला, ठीक है। और सबसे बढ़िया कहाँ था बिजनेस करना, तो न्यूजीलैंड में था, हम लोगों देखे थे। और आज हमारे सामने आया कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों बता दूँ इसमें भारत का स्थान जो है वो 108वां स्थान है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको आप लोग बोलते हो विश्व आर्थिक मंच, ठीक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। और ये है, अच्छा पहला स्थान किसको मिला है, तो ये मिला आइसलैंड को, ठीक है। देखिए पहला भी याद रखा करिए, और हमारे देश का स्थान क्या है ये भी याद रखा करिए, ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। कुल मिला करके 149 देश इसमें रखे गए थे, बट यहाँ पर 139 लिखा है, तो याद रखिएगा 139 या 149 देश यहाँ पर शामिल थे। भारत का पोजीशन क्या है, 108वां नंबर है, ठीक है। तो 2018 में 2 हटा दीजिए, और ये देखिए 018, तो आप यहीं से बना लीजिए 108, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है आपके, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में वेतन एवं पेंशन सीधे खातों में भेजने से संबंधित कौन सी प्रणाली लागू की गई है। तो एक नया प्रणाली आया है दोस्तों, ई कुबेर। एक्चुअली में ई कुबेर है क्या, तो देखिए इसकी शुरुआत किया योगी जी ने, जुलाई 2018 में ही आया। होता क्या है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार जैसे फंड बनाती है ना, तो फंड जो सरकार के पास से कलेक्ट्रेट कोषागार जो होता है, जो ट्रेजरी हम लोग बोलते हैं ना, ट्रेजरी में पैसा आता है, उस ट्रेजरी से सभी की सैलरी और जो काम होता है वहाँ पैसा बटना चालू होता था। तो पहले क्या होता था कि यह पैसा SBI के माध्यम से आता था, तो SBI के माध्यम से जब पैसा आ जाता था ना, तो कभी कभी पैसा फंस जाता था, रुक जाता था, पेमेंट सही टाइम पे नहीं हो पाता था, तो पता चला बड़ा दिक्कत हो गया, ठीक है बीच में कहीं फॉल्ट हो गया, नेटवर्क स्लो हो गया, या नहीं हो पाया, नेट नहीं मिल पाया, तो ऐसे में पेमेंट कट गया और उसको रिलीज होने में महीनों लग जाते थे, तो बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो ये हुआ कि नहीं, अभी SBI से इस चीज़ को समाप्त कर लिया गया, और उसके लिए RBI ने भी परमिशन दे दिया कि हाँ ई कुबेर जो वेंचर है इसके लिए परमिशन RBI ने दे दिया, ठीक है। तो ई कुबेर के माध्यम
माध्यम से अब लोगों का वेतन, पेंशन या कलेक्ट्रेट कोषागार में जो पैसा आता है वो सब टाइमली जो है पहुंच जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है ना कि इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। देखिए आप करंट को लेकर ये सोचा करिए ना यार कि हमारे देश में इस तरह के बदलाव हो रहे हैं, कितना अच्छा बात है। अच्छा इस तरह का मान लो चीज़ें नहीं आती तो कितने लोगों को SBI के सामने जो है समस्या फेस करना पड़ता। अब इसके आने की वजह से थोड़ा राहत मिलेगा, हालांकि कुछ ही दिन बाद पेपर में पता चला कि कुबेर से भी पैसा करोड़ों का ट्रांजेक्शन रुक गया। ठीक है पहली बार था रुक गया, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी, कम से कम बन तो रही है कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि सभी का वेतन और पेंशन जो है सीधे उनके खातों में मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है और अच्छी बात है, मिलना चाहिए तो मिलना भी सही है। आगे भारत का पहला बहुपेटा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये पहला जो है आपका आया है बहुपेटा फ्लॉप्स, और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। गजब बात आ गई ना, तो वो कंप्यूटर के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। अब चीन तो गुस्से में और बड़ा काम करेगा, करे काम क्या दिक्कत है। अच्छा उस हमारे पहले पेटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? उसका नाम है प्रत्यूष। क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों प्रत्यूष। एक्चुअली मैं प्रत्यूष अच्छे किसे कहते हैं, अगर हिंदी में आ जाए प्रत्यूष तो बताइए प्रत्यूष किसकी पर्यायवाची है? प्रत्यूष सूर्य की पर्यायवाची होती है। किसका होता है? सूर्य की पर्यायवाची होती है, और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसको सेट किया गया है ले जाकर के भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान में, और वो कहाँ पर है? आपके पुणे में है। ठीक है, और इससे पता क्या होगा, इससे इतना मदद मिलेगा दोस्तों कि जैसे केदारनाथ में जो आपने देखा कि बादल फट गया था, वहाँ बाढ़ आ गया और इतने लोगों की मृत्यु हो गई, या सुनामी जैसी घटना, यदि कोई भी इस तरह की मौसम घटनाएं होगी ना तो समय से पहले हमको पता चल पाएगा। गजब, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सारे लोगों का जान बचाया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं हमारा देश बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है, हमको बढ़ावा देना चाहिए इन सब चीजों को। कितनी अच्छी बात है ना कि सोचिए कि मौसम की जानकारी हमको पहले हो जाएगी। ऐसे ऐसे कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, इसीलिए तो इसका नाम सुपर कंप्यूटर है। और बहु पेटा फ्लॉप्स मतलब कि एक्चुअली में कितना पेटा फ्लॉप्स, मैं आपको बता दूं 6.8 पेटा फ्लॉप्स। पेटा फ्लॉप्स नहीं समझ पा रहे ना, जैसे GB MB जानते हैं ना, KB MB GB, ठीक है, TB टेराबाइट, ठीक है, उसी तरह पढ़ते जाएंगे तो पेटाबाइट आएगा। तो पेटा, और जो ये फ्लॉप्स होता है ना, फ्लॉप्स को बोलते हैं फ्लोटिंग, याद रखिए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, तो खैर आपके काम का नहीं है बट याद रखिए, कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ दे फुल फॉर्म के रूप में तो याद रहेगा। फ्लोटिंग फ्लोटिंग याद करें, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, कितना ऑपरेशन करता है? तो करोड़ों का ऑपरेशन, यानी करोड़ों निर्देश तुरंत सॉल्व करके बता देता है। तो बहुत बढ़िया बात है, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर याद रखेगा। आगे गंगा एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक निर्मित की जा रही है? ये बहुत बढ़िया हाईवे शुरू किया जा रहा है। ठीक है, योगी जी कृपा से यह हाईवे बन रहा है, बहुत बढ़िया हाईवे है। और ये हाईवे बनाया जा रहा है दोस्तों मेरठ से। कहाँ से? मेरठ। मेरठ जान लो उत्तर प्रदेश का एकदम पश्चिमी छोर ना, उसको हम वेस्टर्न यूपी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं वेस्टर्न यूपी? वेस्टर्न यूपी। और अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, तो मेरठ से स्टार्ट होगा और प्रयागराज तक आएगा। इलाहाबाद नहीं, अब तो नाम बदल गया, तो प्रयागराज याद रखें, प्रयागराज तक आएगा। और प्रयागराज बोलूँ तो एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि ईस्टर्न यूपी, यानी वेस्टर्न यूपी को ईस्टर्न यूपी से कनेक्ट करेगा ये आपका गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, बहुत लंबा है। अच्छा बात ही बात में ना, योगी जी ने कह दिया था कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, बाद में उनका बड़ा छिछी लेदर भी हुआ था कि ये आप कैसे बोल रहे हो। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे थोड़े हो जाएगा, इससे बड़ा तो दिल्ली से लेकर बम्बई जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वही इससे बड़ा है, हमारे देश में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल के लिए याद रखिए 600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, हाँ बढ़िया है। ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बातें नहीं बोलना चाहिए, कोई ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए जो गलतियाँ हो जाए। ठीक है, तो 600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, 36,000 करोड़ की लागत से इस एक्सप्रेस को बनाया जा रहा है। अच्छा मेरठ से जब ये चलेगा तो बीच में कई सारे जिला आएंगे, कुल 12 जिलों को टच में रखा गया है। ठीक है, याद रखें कि गंगा एक्सप्रेसवे से कितने जिले टच रहेंगे? 12 जिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिले हैं वो याद रखें, मेरठ है, वहां से बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, हरदोई और कन्नौज, कन्नौज के बाद उन्नाव, उन्नाव के बाद रायबरेली होते हुए प्रतापगढ़ होते हुए कहाँ जाएगा? इलाहाबाद, यानी प्रयागराज तक आ जाएगा। 600 किलोमीटर का बढ़िया एक्सप्रेसवे है, और जान लीजिए कि अगर ईस्ट और वेस्ट को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो इससे बड़ा फायदा होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को सबसे बड़ा फायदा होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश में पहली बकरी प्रजनन प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? अच्छा बकरी के बारे में सरकार का ध्यान कहाँ से चला गया भाई?
गाय को छोड़ करके बकरी के बारे में सोचने लगे। पता कैसे सोचने लगे? अरे हंसिए मत, देखिए अभी आपने हाल ही में सुना होगा डेंगू खूब फैल रहा था। तो डेंगू जिस किसी को होता है ना, तो उसमें कहा जाता है, गांव वाले कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि डेंगू में पपीते का पत्ता पिलाइए और बकरी का दूध पिलाइए। क्या पिलाइए? बकरी का दूध पिलाइए। सरकार तक भी ये बात पहुंच गई कि डेंगू में बकरी का दूध बड़ा फायदेमंद होता है। हालांकि जो डॉक्टर होते हैं ना, वो नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में मेरे पिताजी को हुआ था तो मुझे पता है, ठीक है। तो एक्चुअली में सही है कि हाँ, बकरी का दूध बड़ा फायदा करता है। तो सरकार ने सोचा कि यार बिल्कुल सही है, ये तो बढ़िया चीज़ है, तो एक काम करते हैं, बकरी प्रजनन के लिए एक प्रयोगशाला ही स्थापित कर देते हैं। अच्छा, इस प्रयोगशाला में होगा क्या, मैं बताऊँ? इस प्रयोगशाला में कुछ स्पेशल बकरों को लाया गया, बढ़िया किस्म के बकरों को लाया गया। किसको? बकरों को लाया गया है। और इस प्रयोगशाला में दोस्तों बकरों के वीर्य को स्टोर करके रखा जाएगा, जरूरत पड़ने पर दूसरे लोगों को दिया भी जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, दूसरे दूसरे मतलब दूसरे जिला वाले अगर मांगेंगे तो उनको अवेलेबल भी कराया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बकरों का वीर वहां रखा जाएगा और कृत्रिम गर्भाधान कराया जाएगा। और कहा गया है कि इस एक विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, वहीं पर आपका गो अनुसंधान संस्थान भी है मथुरा में। और ये कहां खुल रहा है? मथुरा, याद रखिएगा, मथुरा, ठीक है। तो मथुरा में काम हो रहा है। तो ये कहा गया है कि उस चिकित्सा विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं उनके माध्यम से अगल बगल के गांवों तक जो है इस बकरी के वीर को पहुंचाया जाएगा और जो बकरी होंगी उनके प्रजनन की व्यवस्था किया जाएगा ताकि उसके नस्ल में सुधार हो सके और जो बकरी का दूध है वो भी आ सके और वो जो है बिक सके, ठीक है। तो बहुत बढ़िया योजना है। नहीं, सरकार देखिए, बड़े से बड़े चीज से लेकर छोटे से छोटे चीज पर जो है सरकार फोकस कर रही है। एक तरफ हमने पढ़ा सुपर कंप्यूटर की बात, सोचो, दूसरी तरफ हमने पढ़ा बकरी प्रजनन प्रयोगशाला। तो अपने आप में बढ़िया है, ये तरीका होना चाहिए पढ़ने का और समझने का। आगे देखिए, दिसंबर 2018 में किसे 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हो सकता है चेहरा देख के आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, ये पुरस्कार दिया गया है अमिताभ घोष को। किसको दिया गया है? अमिताभ घोष को। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ और बताऊं, लेकिन आप दो तीन बातें याद रखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों, ये शुरू किया गया था 1965 में। कितने में स्टार्ट हुआ था? 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार बांटा जा रहा है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में लिखा गया है कि जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं, अभी तो 22 हैं, ठीक है, आगे हो रहा है कि भोजपुरी को भी ऐड कर दिया जाए, तो कुल 22 भाषाएं हैं। कहा गया कि इस 22 भाषाओं में जितनी भी भाषा है इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार बांटा जाएगा। क्या बांटा जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हर वर्ष जो है किसी एक भाषा के जो फेमस राइटर होते हैं, ठीक है, या जो लेखक होते हैं, उनको जो है चुना जाता है और ये दिया जाता है। पिछले साल की बात करूँ, 2017 की बात करूँ, 2019 में अभी आया नहीं है, ठीक है, 2017 की बात करूँ तो कृष्णा सोबती का नाम सुना होगा आपने। 2017 में पुरस्कार किसको दिया गया था? कृष्णा सोबती को दिया गया था, कृष्णा सोबती को दिया गया था, ठीक है, कृष्णा सोबती। इस बार का किसे दिया गया? 2018 वाला अमिताभ घोष को दिया गया है। तो नाम याद रखना है, किसी रचना उचना पे नहीं दिया जाता कि इनकी किस रचना पे, रचना पे नहीं। अच्छा, अमिताभ घोष को मिला है। अमिताभ घोष जो है क्या करते हैं, ये अंग्रेजी भाषा के लेखक बहुत फेमस राइटर हैं, ठीक है, अमिताभ घोष। कई सारी किताब इनकी आई है। इनको स्टार्टिंग में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी रचना थी द शैडो लाइन्स, ठीक है, पद्मश्री वगैरह भी ये जीत चुके हैं, ठीक है, द शैडो लाइन्स। अभी हाल ही में इनकी दो किताबें आई हैं। अब याद रखिए, जैसे अगर इस बार इनको मान लीजिए ज्ञानपीठ दे दिया गया, तो अगर आपसे ज्ञानपीठ के बारे में आपके एग्जाम में ना पूछे, तो हो सकता है ये पूछ दे कि अमिताभ घोष की कौन सी किताब है, ठीक है। तो अभी एक चर दो दो किताबें इनकी चर्चित हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। एक है फ्लड ऑफ फायर, फ्लड ऑफ फायर याद रखिएगा, फ्लड ऑफ फायर। एक है सी ऑफ पॉपीज, सी ऑफ पॉपीज, ठीक है, पॉपीज पॉपीज, दोनों याद रखिएगा। ये दो किताबें बड़ी फेमस हैं। और द शैडो लाइन्स तो बड़ी पुरानी है, उसके ऊपर तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था। तो ये दो नई है, तो इनको दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। ये जो चेहरा देख रहे हैं आप, ये अमिताभ घोष का है, ठीक है। आगे, केरल पुलिस द्वारा लाए गए भारत के पहले ह्यूमनाइड पुलिस रोबोट का क्या नाम है? वाह भाई वाह, एक तरफ जो सुपर कंप्यूटर बन रहा है, एक तरफ जो है भारत में ह्यूमनाइड पुलिस रोबोट बना। ह्यूमनाइड मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक ऐसा रोबोट जो ह्यूमन यानी मनुष्य की तरह व्यवहार करेगा। और पता है, यहाँ सब लोग हम लोग पढ़ते हैं कि यार किसी को पुलिस की नौकरी मिल जाए, किसी को SI मिल जाए, और ये पता है ये जो रोबोट है ना, ये किस पद पर? ये SI है, ये केरल पुलिस ने इसको बनाया है और अपने यहाँ का SI का दर्जा दिया। भाई सब इंस्पेक्टर है, हल्के ना लो, सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। तो ये सब इंस्पेक्टर है। अच्छा, इसका नाम क्या है? तो देखिए, नाम यहाँ पे लिखा है KP बोट। इसका नाम क्या रखा गया है? KP बोट रखा गया, ठीक है, याद रखिएगा। ये भारत का पहला ऐसा ह्यूमनाइड रोबोट है और
पूरे विश्व की बात करूं तो चौथे नंबर का हिमनाइट ड्रॉपआउट है। अभी तक बहुत ज़्यादा देश हिमनाइट ड्रॉपआउट नहीं बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पी विजयन, पिनराई विजयन, ठीक है। अच्छा, ये रोबोट लगाया कहाँ गया है? तो त्रिवेंद्रम, वहाँ का हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर, वहीं पर इसको लगाया गया है, ठीक है। और यह चीज़ों को देखेगा अपने तरीके से, तो काफ़ी बढ़िया है ह्यूमनाइड रोबोट, बहुत बढ़िया है। अभी आपकी मूवी भी आई थी रोबोट 2.0, आपने देखा होगा। तो एक तरफ मूवी देख रहे हैं, दूसरी तरफ इस चीज़ को हकीकत में हम देख रहे हैं कि इस तरह के ह्यूमनाइड रोबोट पर भारत काम कर रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छा है। आगे ई दृष्टि नामक एप्लीकेशन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ट्रेन को देख करके आपको लग गया होगा कि हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेल मंत्रालय ने इस चीज़ को लाया है। लेकिन क्यों लाया है, क्या वजह थी भाई, क्या कम पड़ गया था उसके लिए कि ये सब लाने की जरूरत पड़ गई, दृष्टि नामक एप्लीकेशन? तो मैं बताऊँ आपको, आपकी इस समय के जो रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल को ये लगा कि भाई हम अपने ऑफिस में बैठकर हम रेलवे की हर समस्या को अपनी आँख से तो देख नहीं सकते हैं, और अगर हम कहीं चले जाएं फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए तो इतना बड़ा देश है, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कहा एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ हमारी आँख के सामने, हमारे ऑफिस में खूब बड़ी सी टीवी लगा दो, उसमें इस एप्लीकेशन को चालू कर दो, ठीक है, और उसके थ्रू हमको हर एक चीज़ का पता लगे, मतलब ट्रेन के कोच के अंदर का, ट्रेन के कोच के बाहर का, स्टेशन के बारे में, ठीक है, कैटरिंग के बारे में, खाने के बारे में, हर एक चीज के बारे में हमको सब कुछ लाइव तुरंत पता चलता रहे, तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब कि इस तरह के मंत्री होने चाहिए, सही बात है कि नहीं? ऐसा नहीं कि सब ढकोसले वाले, इस तरह के लोग होने चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया रेल मंत्री हैं जो इस तरह की चीजें सोच रहे हैं और सोच रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या उससे क्या होगा ना, देखिए जब इनकी नज़र सभी के ऊपर रहेगी तो लोग अपने अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। क्यों भाई, रेल मंत्री देख रहे हैं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया ऐप है ई दृष्टि ऐप, ये किसने निकाला है? आपके रेल मंत्रालय ने निकाला है। चलिए कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइए। नहीं पता ना, याद नहीं आ रहा होगा, या तो हो सकता है ना पढ़े हो या ध्यान नहीं आ रहा हो, ठीक है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार है, याद है ना, ठीक है, मानवाधिकार, वहीं से याद रखे, लोग जमीन से जुड़े हैं, ठीक है। 5 दिसंबर याद रखेगा मृदा दिवस, ठीक है। और इस बार के लिए जो थीम था मृदा दिवस की, वो था मृदा प्रदूषण के लिए समाधान दें, ठीक है, ये वहाँ की थीम थी। तो खैर आप याद रखिए 5 दिसंबर को मनाया जाता है मृदा दिवस, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो 49वां दादा साहब फाल्के, देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो वहाँ मत जाइए, आस्कर उस्कर मत जाइए, भारत की बात कर रहा हूँ। दादा साहब फाल्के ने ही फिल्म जगत की शुरुआत किया था, उसकी नींव रखी थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार बांटा जाता है। 1969 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है और अब 2019 आ गया। फिलहाल ये जो पुरस्कार है 49वां, ये 2017 की बात कर रहा हूँ, 18 भी नहीं, अभी 17 की बात कर रहा हूँ, 18 वाला भी अभी अनाउंस नहीं हुआ, ठीक है। तो याद रखें 2017 में ये दिया गया है विनोद खन्ना को। किसको दिया गया है? विनोद खन्ना। और आपको पता होगा विनोद खन्ना तो मर चुके हैं, ठीक है, तो इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया विनोद खन्ना को। तो भाई लेने कौन आया? ये देखिए फोटो बीच में आपको दिख रहा होगा, अक्षय खन्ना, हलचल मूवी देखा है ना, काफ़ी कार्टूनी किए हैं, तो ये आपके विनोद खन्ना के पुत्र अक्षय खन्ना हैं, उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया, ठीक है। और बगल में रामनाथ कोविंद जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, सास भी कभी बहू थी, ठीक है, और ये उनकी पत्नी है, तो याद रखिएगा अक्षय खन्ना ने रिसीव किया। और मिला किसको है? विनोद खन्ना को मिला है 2017 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का, भाई ये तो देखने में कौन लग रहा है? अनुपम खेर है ना, अनुपम खेर ही है। एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको बताऊं, अभी 11 जनवरी इसी साल जो है एक मूवी रिलीज हुई आपका द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह के ऊपर एक मूवी थी, ठीक है, और इसी मूवी को जो बनाया गया है ये एक नॉवेल के ऊपर बनाया गया है, और वो जो था उसको लिखा था संजय बारू ने। तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसकी रचना है? संजय बारू की रचना है, और इसी से संजय बारू फेमस हो गए, पूरा देश इनको जानने लगा, ठीक है, जिसके किताब पर मूवी बन जाए वो आदमी फेमस तो हो ही जाएगा ना। तो ये हो गए, संजय बारू किताब आ गई और इसीलिए फेमस हो गए, तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, जिसको मनमोहन सिंह को कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 2014 में ये किताब लिखे थे। आगे भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये अपने आप में थोड़ा सा देखिए टिपिकल प्रश्न मैं आपसे पूछ दिया, बताइए जरा चारागाह या चारा अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये झांसी में है दोस्तों, कहाँ पर है? झांसी में है। भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? झांसी में है, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखिए, महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को चुन चुन कर मारा, जैसे घास चुन चुन कर काटा जाता है, ऐसे चुन चुन कर चारे की तरह काट दिया। क्या किया? अंग्रेजों को चारे की तरह काट दिया। तो झांसी आपको याद रहेगा, ठीक है। और आज के लिए आपका आखिरी प्रश्न कि 1 अप्रैल 2019 से किस राज्य में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की जाएगी? आज ही का समाचार है, बताइए कौन शुरू कर रहा है इस चीज़ को। तो दोस्तों ये सामने फोटो दिख गई है आपको, ठीक है, और ये शुरू कर रहे हैं नीतीश कुमार, और बिहार सरकार के द्वारा ये स्टार्ट किया जा रहा है। वहां पर जो भी वृद्धजन लोग होंगे उनके लिए एक पेंशन की व्यवस्था की जा रही है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर से करिएगा। किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज दोस्तों उसको पूरा देखिएगा, निवेदन आपसे उसी से देखिए 2 पैसे की इनकम होती है। अगर आप देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर नहीं आता ऐड तो कोई दूसरा वीडियो चालू कर लीजिए, उसको देख लीजिए। अरे Study91 पे भाई 1200-1300 वीडियोज़ हैं, कुछ भी चालू करके देख लो, सब में आपके काम की चीज़ें हैं। जो लोग नए हैं हमारे प्लेलिस्ट से जुड़े, डिटेल में यहाँ सभी विषयों को पढ़ाया गया, तो आप आराम से एक एक विषय को पढ़ सकते। एक बार आप आएंगे ना तो आपको दोबारा जाने का मौका नहीं मिलेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।